आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक ज्यामिति में हम बहुभुज और उनके प्रकार, चतुर्भुज के कोण, योग गुणधर्म, समलंब तथा पतंग के बारे में जान चुके हैं। आज हम ज्यामिति के एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व, समांतर चतुर्भुज और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यहां कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप पहचानते होंगे। इन सभी वस्तुओं में आप समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं और कोण हैं? शाबाश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। तो आइए एक खेल की मदद से समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। दो मित्र राजू और रमेश एक चर्चा कर रहे हैं। राजू ने एक पन्ने पर समांतर रेखाएं पी और क्यू कुछ इस प्रकार खींची। रमेश ने एक रेखा आई खींची जो इन दो समांतर रेखाओं को काटती हुई जा रही है। राजू ने आई के समांतर एक रेखा एम कुछ इस प्रकार बनाई, जिससे उन्हें चार भुजाओं वाला एक बहुभुज मिलता है, जिसके शीर्षों को ए बी सी और डी नामांकित कर राजू कहता है कि आकृति ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो क्या आप राजू को बता सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का विशेष नाम क्या है? ये आकृति समांतर रेखाओं के दो युग्मों से मिलकर बनी है। वो चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो आइए अब समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को समझते हैं। शीर्ष ए को सी से और शीर्ष बी को डी से इस तरह जोड़ें। हमें समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण AC और BD मिलते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आकृति ABCD को कैंची से काट लें। क्योंकि इस चतुर्भुज की रचना दो समांतर रेखाओं के युग्म से हुई है, इसलिए इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होंगी। अब यदि इस चतुर्भुज को विकर्ण AC के सापेक्ष इस तरह काटते हैं, तो हमें दो त्रिभुज ABC व ADC मिलते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखने पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ADC को पूरी तरह ढक लेता है। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि भुजाएं AB व CD तथा BC व DA बराबर माप की होंगी, साथ ही कोण B व कोण D भी बराबर माप के होंगे। और यदि हम इस चतुर्भुज को विकर्ण BD के सापेक्ष काटते हैं, तो हमें दो त्रिभुज ABD व BCD मिलते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखने पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABD त्रिभुज BCD को पूरी तरह ढक लेता है। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हैं, जिसकी मदद से हमें पुनः पता चलता है कि भुजाएं AB व CD तथा DA व BC बराबर माप की हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि कोण A व कोण C भी बराबर माप के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
परस्पर समांतर व बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब क्या आप इस समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल बता सकते हैं? बिल्कुल सही, चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म की मदद से हम बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। हमने अभी देखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, जिसकी मदद से हम इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम कोण बी व सी, कोण सी व डी तथा कोण डी व ए का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 180 डिग्री है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या विकर्ण एसी और बीडी का माप बराबर है? एक स्केल का उपयोग करते हुए विकर्ण एसी और बीडी की लंबाई पता लगाएं। आप पाएंगे कि विकर्ण एसी और बीडी का माप बराबर नहीं है। अब यदि हम इस चतुर्भुज को इस तरह मोड़ते हैं कि शीर्ष ए शीर्ष सी के ऊपर आता है, अब यदि हम इस चतुर्भुज को इस तरह मोड़ते हैं कि शीर्ष बी शीर्ष डी के ऊपर आए, तो ऐसा करने से हमें विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु मिलता है। ये बिंदु ओ है। ऐसा करने से हमें विकर्ण एसी का मध्य बिंदु ओ मिलता है। चूंकि दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका सत्यापन आप स्केल की सहायता से विकर्णों को माप कर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।